एवरीवन, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि रिवीजन क्लास है। हम फरवरी से लेकर के नवंबर तक जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उसी में से ये क्लास है। तो हम आप सभी को पता है डेली एक रिविजन क्लास लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रिविजन क्लास को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस नगर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला है जो कि महिलाओं के स्वामित्व वाला एक औद्योगिक पार्क है, यानी कि महिलाओं के पास उसका स्वामित्व होगा। क्या करना है, कौन सा इनोवेशन करना है, इसमें किस तरह से ये चलाया जाएगा, सारे लॉ कानून सभी महिलाओं के हाथ में होंगे। तो एक ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, यानी कि ऐसा पार्क जिसमें औद्योगिक गतिविधियां घटित होंगी, औद्योगिक गतिविधियां की जाएंगी, उसका स्वामित्व महिलाओं के हाथ में होगा। एक ऐसा पार्क स्थापित किया गया है, वो किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये पहला है इस वजह से इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि ये महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति कहाँ बनाई गई है? भगवान बुद्ध की है ये सबसे बड़ी है और झुकी हुई है। तो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति कहाँ बनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा बोधगया में, यूपी में बोधगया स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है, नदी के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति बनाई जा रही है बोधगया में। नेक्स्ट है, विद्या रथ ऑन व्हील्स योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? क्या है? विद्या रथ ऑन व्हील्स योजना, विद्या रथ ऑन व्हील्स योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा असम सरकार द्वारा। असम द्वारा विद्या रथ ऑन व्हील्स योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडिया दिवस कहाँ मनाया जाता है? मांडिया दिवस कहाँ मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ और कब मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। कब मनाया गया, तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है, और इस बार भी ये 10 नवंबर को मनाया गया, मांडिया दिवस उड़ीसा 10 नवंबर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है इंटरनेशनल मिलेट डे। तो आप सभी को ध्यान रखना है 2023 को इंटरनेशनल मिलेट डे घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 11 आयोजित हो चुके हैं, ये 12वां संस्करण है, तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो 11वां था वो पोर्ट लुई में आयोजित किया गया था, पोर्ट लुइस में, और ये किया जाएगा फिजी में आयोजित किया जाएगा जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण। तो संस्करण है हिंदी सम्मेलन का कौन सा, 12वां, कहाँ आयोजित किया जाएगा, फिजी के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? तो फिजी के नए राष्ट्रपति का नाम है सात्विनी राब्रुका यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी सूबा इसकी राजधानी है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखो भारत ये देखो मतलब हिंदी भारत की भाषा है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है, कभी किसी देश में तो कभी किसी देश में, इसीलिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है याद रखना कि राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, फिजी में, जिसकी राजधानी सूबा है, और यहाँ के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम राब्रुका है। क्या है फुल नेम, सात्विनी राब्रुका। नेक्स्ट है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है?
पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता है जितनी पहली महिला राष्ट्रपति, पहली भी पहली महिला उपराष्ट्रपति, पहली महिला डीजी कमिश्नर हो गई, पुलिस कमिश्नर हो गई, ड्राइवर बन रही है, कंडक्टर बन रही है, और ये एरोप्लेन उड़ाने वाली बन रही है, तो जितनी भी ये बनती है ना पहली महिला, ये सभी पूछी जाती हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। आप सभी को ध्यान रखना है, दीना बोल आर्टे। दीना बोल आर्टे किसकी? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू कहाँ का एक देश है? तो पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जो कि उसके पश्चिम में स्थित है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। ये किससे सीमा साझा करता है? तो पैसिफिक ओशन से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, ऊंटों के लिए पहला होटल किस देश ने खोला है? ऊंटों के लिए पहला होटल, जैसे कि जैसे मनुष्य होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो होटलों में रेस्ट करते हैं, आराम से एक दो दिन बिताते हैं, तो वैसे ही ऊंट भी अब कहीं घूमने जाएंगे, कहीं जाएंगे तो उनके लिए भी होटल की व्यवस्था की है। किसने की है? तो सऊदी अरब के द्वारा की गई है। तो ऊंटों के लिए पहला होटल किस देश ने खोला है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस। अब ये भी एक अटपटा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। क्या है? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस खोली गई है, ठीक है? तो कहाँ पर की गई है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो सड़क पर जानवर रहते हैं उनको कोई भी हानि हो जाती है तो उनके लिए एक एम्बुलेंस चलाई गई है जो कि सड़कों पर घूमती रहेगी, और कोई भी उसे जानवर जो सड़क पर रहता है, जो पालतू नहीं है, मतलब जो सड़क पर रहता है, उसे तुरंत ही वो एम्बुलेंस सेवा प्रदान करेगी। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के वर्तमान अध्यक्ष देख लेते हैं। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, CDS कौन है? ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो, सेना के वर्तमान अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नौसेना अध्यक्ष तो आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी। दूसरे CDS कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये हो जाएंगे अनिल चौहान। आप सभी को पता है पहले हमारे रावत जी थे, जिनका एक एक्सीडेंट में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, उनका जो एरोप्लेन था और वो शहीद हो गए थे, तो ये हमारे दूसरे बने थे फिर CDS अनिल चौहान, ठीक है? तो ये अनिल चौहान है दूसरे। फिर तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? VS पठानिया हमारे तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं। अब इनका दिवस कब मनाया जाता है लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, एग्जामिनर तो पूछेगा ही, है ना? तो हम देख लेते हैं, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेना के वर्तमान अध्यक्ष, देखो 15 जनवरी स्टार्टिंग हो रही है 15 जनवरी से, तो पहले आपको थल सेना ध्यान रखना है, मनोज पांडे M से लिख लो, ठीक है? 15 जनवरी M, फिर उसके बाद आ जाएगा वायुसेना कब आ जाएगा? VR चौधरी है इसके, और ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को, तो नौसेना दिवस MVN का मतलब हो जाएगा मनोज, जो हमारी थल सेना है उसके मनोज हो जाएंगे, वायुसेना के VR चौधरी हो जाएंगे, और नौसेना के आर हरि कुमार हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 15 जनवरी लिखना है, ये 8 अक्टूबर लिखना है, और ये 4 दिसंबर लिखना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है? तो आप सभी इसे ट्रिक से याद कर पाएंगे, वैसे याद करना हम याद तो कर लेंगे लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 15 जनवरी से स्टार्टिंग करनी है, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर वायु, और 4 दिसंबर नौसेना, फिर इस तरह से इन्हें ट्रिक से याद कर लेना, MVR। अब नेक्स्ट देखते हैं निकहत जरीन लवलीना बोरगोहेन छठी
एथलीट 2022 स्वर्ण पदक जीतने वाली दो महिलाएं बनी हैं। कौन? निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन। छठी एथलीट बनी है ये 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक में, छठी एथलीट बनी है। ध्यान रखना है आपको इन दोनों का नाम, निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन। स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में, छठी महिला एथलीट बनी है ये। यही पूछा जाता है ये किस खेल से संबंधित है, तो एथलीट है। नेक्स्ट हो जाएगा, इतना आप सभी को दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां आयोजित किए जाएंगे। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। इसकी थीम क्या है, थीम क्या रहेगी, तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसकी थीम रहेगी। कौन सा संस्करण होगा, तो ये पांचवा संस्करण होगा। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 को हुई थी। तो अब खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम से कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। ये पांचवा संस्करण है, तो चौथा संस्करण कहाँ हुआ था, ये हरियाणा पंचकुला में हुआ था। और हरियाणा इसमें विजय रहा था चौथे में। इसका शुभंकर क्या था जब हमारा फोर्थ हुआ था, तो धाकड़ इसका शुभंकर था। तो ध्यान रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां आयोजित किए जाएंगे, भोपाल मध्य प्रदेश में। थीम हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, पांचवा संस्करण रहेगा। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएंगे। 2018 में इनकी शुरुआत हुई थी। चौथा संस्करण कहां हुआ था इसका 2022 में, तो हरियाणा पंचकुला में। वही इसमें विजेता रहा था शुभंकर, इसका धाकड़ था। नेक्स्ट है WHO के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है जेरेमी फरार WHO के नए वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। ये सलाहकार बोल रही हूँ मैं, अध्यक्ष नहीं बोल रही हूँ। तो आपको सलाहकार ध्यान रखना है जेरेमी फरार, और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसके अध्यक्ष कौन है, तो टेड्रोस एडोनोम इसके अध्यक्ष हैं। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 दिसंबर को 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, और ये 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में है। इस बार की थीम क्या है इसकी, विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो इस बार की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इस बार की थीम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, संगठन मेजबानी 2022, किस संगठन ने किसकी मेजबानी की 2022 में। तो जो ब्रिक्स है हमारा संगठन, उसकी मेजबानी 2022 में किसने की, तो चीन ने। SCO की मेजबानी किसने की, उज्बेकिस्तान ने। बिम्स्टेक की मेजबानी किसने की, श्रीलंका ने। क्वाड की मेजबानी किसने की, जापान ने। COP26 की मेजबानी मिस्र ने। G7 की मेजबानी जर्मनी ने। G20 की मेजबानी इंडोनेशिया ने। ठीक है, तो आप सभी को अब हमने इतना बताया, तो आप सभी को ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, कितने देश हैं इसमें, ठीक है, 2022 में इसका मेजबानी किसने की, इस तरह से। फिर SCO की स्थापना कब हुई, ये सारे आपको लिख लेने हैं। जब आप ये नोट करोगे ना, तो वहीं पर लिख लेना इस तरह से। तो चीन की राजधानी बीजिंग, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगी, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे हो जाएगी, जापान की हो जाएगी यहाँ पर टोक्यो, वैसे मिस्र की काहिरा, फिर इस तरह से जर्मनी इंडोनेशिया, नई राजधानी क्या हो जाएगी इंडोनेशिया की, अभी तो जकार्ता है, नई राजधानी 2050 तक नुसुंदारा हो जाएगी। तो ये सारे फैक्ट आपको लिख लेने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। इस बार की थीम है। अब यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो रमन प्रभाव की खोज हुई थी इस
दिन को 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज हुई थी जो कि सीवी रमन द्वारा की गई थी। तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1930 में और इन्हें भारत रत्न भी मिला था 1954 में। तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से संबंधित है, सीवी रमन को कब भारत रत्न मिला था, कब इन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था, या फिर रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इसीलिए आपको वाइड डायमेंशन में और मल्टी डायमेंशन रूप से आपको याद करना है ध्यान से। अब कुछ दिवस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट दिवस है, आप सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। तो देखो, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। वैसे ही राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर यहाँ पर देख सकते हैं महिला का अधिकार दिवस, महिलाओं के लिए अधिकार दिवस की महिलाओं को भी अधिकार दिलाओ, इसके लिए दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। 26 अगस्त को महिलाओं का अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, महिलाओं का अधिकार दिवस 26 अगस्त, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अब नेक्स्ट है, आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? आप सभी को पता है अभी तक आसियान में 10 देश थे, लेकिन अब एक और देश जुड़ गया है, तो इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए क्वेश्चन। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट तिमोर। ये पैसिफिक ओशन में स्थित है, ईस्ट तिमोर। तो आसियान का 11वां सदस्य देश ईस्ट तिमोर बन गया है। राष्ट्रपति कौन है ईस्ट तिमोर के? तो जॉन्स रामोस, ये नए राष्ट्रपति बने, इसीलिए ध्यान रख लेना है आपको, क्योंकि ईस्ट तिमोर चर्चा में है, नया देश बना है आसियान का, 11 सदस्य देश हो गए इसमें, तो सब कुछ देख लेना आसियान के बारे में, एक जगह सारा सब कुछ लिख लेना। ठीक है, तो राष्ट्रपति जॉन्स रामोस इसके राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम हृदय विकसित करने वाला पहला IIT, कृत्रिम हृदय विकसित करने वाला पहला IIT कौन बन गया है? IIT कानपुर, क्योंकि हृदय भी संबंधित है अंग से ही, और कानपुर भी कान अंग है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है कि हृदय कान, कानपुर। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बन गया है? देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा। अगर हम यूटी की बात करते हैं कि यूटी कौन बन गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली। अब तो दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक ही कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य यूटी में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दमन दीव और दादर नगर हवेली। वहीं पर मैं जिला की बात करूं तो बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का आपको ध्यान रखना है, ये बन गया है किसमें, हर घर जल प्रमाणित राज्य। तो राज्य, यूटी और जिला तीनों याद रखने हैं आपको, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि राज्य पूछा जा चुका है कई बार, तो अब जिला और यूटी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। तो ये इस तरह से साथियों आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको 20 मिनट से कम समय में ही मैंने ये रिवीजन करा दिया है। इसी तरह से अभी कम से कम अभी 8 से 10 दिन हैं, और देखो फरवरी तक चलेगा ये एग्जाम है ना, तो जितने भी बच्चे SSC GD का एग्जाम देने वाले हैं, ये करंट अफेयर की क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को ये क्लास डेली देखनी है। यहाँ पर जिनका अभी स्टार्टिंग में एग्जाम है और जिनका पीछे एग्जाम है, सभी को देखनी है, पक्का यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक GK और करंट अफेयर से, तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज खोज के ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।